हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू जे केमिस्ट्री। आज ये एप्टीट्यूड सीरीज़ का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में करा था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। और दूसरा कंसेप्ट हमने जो सीखा था उसमें वो था कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालना किसी भी दो नंबर, मतलब गिवन नंबर ऑफ नंबर्स के बीच में, जैसे 1 to 100 के बीच में हमें निकालें नंबर ऑफ़ डिजिट्स, तो हमने वो निकालना सीखा था। तो लास्ट में जो आपने मैंने आपसे पूछा था कि आपको मतलब और क्या पढ़ना है या मतलब आपकी क्या डिमांड्स है, इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो आपने बोला था कि सर आप मतलब पहले कंसेप्ट बताएं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो मतलब आ सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन कराएं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट, जिसमें मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है और कैसे निकालते हैं, मतलब अगर किसी की पावर वगैरह दे रखी हो तो, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। तो यूनिट डिजिट की बात आती है तो यूनिट डिजिट होता क्या है, जैसे आप मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो 5 है ये होगा इसका यूनिट डिजिट। तो अब तो आप इसमें अगर सिंपल नंबर लिखा तो उसमें तो आप आराम से बता दो कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पावर की फॉर्म में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 की पावर दे दी, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल सी आपको बात याद रखनी है कि जो भी पावर होगी ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी नंबर की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। जो भी डिजिट आएगा आपका, जो भी मतलब रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 को इसकी पावर बना दो, यानी हमारा हो जाएगा। हमें इससे भी कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि जो यूनिट डिजिट आएगा वो सिर्फ 5 के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा अपना 5। मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है जैसे कोई भी नंबर गिवन है और उसकी कुछ भी पावर गिवन है तो हमें करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट उस जो भी नंबर की पावर गिवन होगी उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर देंगे हम तो जो रिमाइंडर आएगा अपना, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है तो जो भी इसका यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर कर दो वही, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 1, तो अपना आ गया यूनिट डिजिट 5। अब ये तो हो गया जैसे इस टर्म में, तो और देखते हैं जैसे कैसे निकालते हैं। तो आप एक चीज़ याद ही कर लो, 0, 1, 5, 6 इन चार नंबरों की कितनी भी पावर कर लो तो हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने करी थी 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आया था। तो ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड करने की बजाय हम सिंपल डायरेक्ट कर सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमें निकालना है 1, 4, 7, 5, 4, 7, इसकी पावर दे रखी है हमें 7, 4, 5, 7, 4, 1, तो इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमें डायरेक्ट करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर की पावर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 7, 4, 5, 7, 4, 1 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, और जो अपना रिमाइंडर आएगा उसको बना देंगे इसकी पावर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 7 की पावर बना देंगे डायरेक्ट। तो 4 से डिवाइड करने का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे डिवाइड करते हैं, हमें सारे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो नंबर से लेने देना है हमें बस। तो 41 को डिवाइड करो डायरेक्ट तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पे हमारा हो गया 7 की पावर 1, 7 जो नंबर था और इसको जो डिवाइड करने के बाद 4 से जो बचा वो रिमाइंडर इसकी पावर बना दो, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। अब और एग्जांपल कर लेते हैं, तो आपको याद क्या रखना है इसमें, 0, 1, 5, 6 इन नंबर की अगर कोई भी पावर करते हैं तो यूनिट डिजिट यही रहता है। जैसे 0 की पावर आप कुछ भी कर लो तो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही आएगा, 5 की सेम एंड सेम इन द केस ऑफ 6, और बाकी आप इन केस में भी यही लगा सकते हैं 4 वाला, पर टाइम बचाने के लिए आप याद कर सकते हो कि 0, 1, 5, 6 के केस में यदि कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। बाकी कोई भी नंबर जैसे 0 to 9 में अगर कोई भी नंबर है उसकी हमें कोई भी पावर दे रखी है तो
तो हमें करना कुछ नहीं होता उस केस में, डायरेक्ट पावर को 4 से डिवाइड करो और जो अपना रिमाइंडर आएगा उसको इस नंबर की पावर बना दो। तो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ और कैसे इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आया था 2013 में। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो भी पावर गिवन होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं। तो यहाँ पे पहले ही 2 डिजिट हैं तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 4 1 जा 4 3, तो हमारा बच गया रिमाइंडर 1। तो अब इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, इस नंबर की पावर बना देंगे। तो 7 की पावर 1, डैट इज 7, तो हमारा आंसर हो गया 7। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं जो CSIR नेट में, वो डायरेक्ट सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब उसमें आपको ज़्यादा मतलब पावर्स नहीं दी गई थी। तो मैं आपको थोड़े एडवांस लेवल में करवा रहा हूँ ताकि नेट और गेट में मतलब अगर क्वेश्चंस आए भी तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 9 की पावर। तो हमें इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस 9 से है मतलब, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें इसको पता है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पावर को, तो हमें इन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 4 से। तो 4 से इसको डिवाइड करा तो क्या बचा, 4 1 जा 4 3 8 एंड 36, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब 9 की पावर कर देंगे 2। अब 9 की पावर 2 क्या होती है, 81, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ से 1, तो यहाँ पर आंसर हो गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये नंबर्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट निकालना है तो यूनिट डिजिट बताना है इसका, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट अगर आप सिंपल टर्म में देखो तो यहाँ पे 7 की पावर 4 ही पूछी जाएगी, क्योंकि हमें इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा केवल यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 7 की पावर 4 निकाल सकते हैं। तो 7 की पावर 4 क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे 4 आ गया, तो 4 से अगर नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए यानी रिमाइंडर 0 बचे, तो हम क्या लेंगे, 4 ही कंसीडर करेंगे उसको, 0 को हम हमेशा 4 ही कंसीडर करेंगे। यदि जो भी पावर गिवन है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से, तो हम मतलब रिमाइंडर 0 आए तो हम पावर 4 ही कंसीडर करेंगे, तो 7 की पावर 4 ही कंसीडर करेंगे। तो 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 9 into 9 यानी 49 into 49 होएगा, तो 9 into 9 होएगा यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1, और रिमाइंडर कह रहा हूँ सॉरी, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, तो आंसर हो गया यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 2 3 की पावर 1 2 3, 4 5 6 की पावर 4 5 6, और इनका सबका हमें एडिशन बताना क्या होगा, तो हमें इन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे भी हमें ऊपर सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से लेना देना है, तो इनको बाकियों को कैंसिल कर लो। तो हमें निकालना है 3 की पावर 23, 6 की पावर 56 एंड 9 की पावर 89। अब इस पावर को 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3, तो यानी 3 की पावर 3 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो तो हम हमेशा पता है यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब 9 की पावर यहाँ पे इसको अगर डिवाइड कर देंगे 4 से तो यहाँ बचेगा कितना, 1, तो ये हो गया 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, यूनिट डिजिट क्या होगा 7, यहाँ पे 6 और ये बच गया 9, तो इनका एडिशन करेंगे हम, ये कितना हो गया 13 और 9 22, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेगेटिव टर्म में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी नेगेटिव नंबर की, जैसे मान लो 2 है, यदि पावर इवन करेंगे हम, यानी -2 की पावर यदि मान लो 2 करते हैं हम, तो ये पॉजिटिव हो जाता है यानी हमारा होगा 4। लेकिन हम यदि नेगेटिव नंबर की पावर ओड करते हैं, जैसे -2 की पावर 1 करते हैं हम, तो हमारा नेगेटिव नंबर आता है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमें केवल लास्ट डिजिट से लेना देना है, यहाँ पे हमें केवल लास्ट 2 डिजिट्स,
तो अब करना क्या है हमें, हमारा क्वेश्चन होगा -3 की पावर 57। तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रिमाइंडर इसका 1, तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो -3 की पावर 1 करेंगे हम, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा -3। बट कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम करते क्या हैं, जैसे मान लो इसमें हुआ क्या है, जैसे आपकी पावर करी आपने तो नंबर आ गया -1, 2, 3 समथिंग, ऐसा कुछ भी आ गया, हम मान लेते हैं यही आ गया, तो इसमें ये नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हम, यूनिट डिजिट नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो हम इसमें करते क्या हैं, हम कर देंगे इसमें 10 ऐड, क्योंकि जैसे भी जब भी नंबर यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे -3 होगा तब -3 आता है, तो हम करते क्या हैं, आगे से एक कैरी 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। तो जब भी नेगेटिव यूनिट डिजिट आ जाए तो आप डायरेक्ट उसमें 10 ऐड कर दो और अपना आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट जो कि है 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये तो सारा कुछ लेना देना नहीं है, बाकी हमें बस भटकाने के लिए दिए होते हैं ये, तो ये 2 डिजिट्स हमें देखने होते हैं लास्ट के। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 8 की पावर 45 -5 की पावर 56। अब 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, बताया था ना मैंने आपको 0, 1, 5, 6 की कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट सेम रहता है। अब 8 की पावर 45 गिवन है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1, तो 8 की पावर 1 इज 8, तो आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे इतनी बड़ी टर्म गिवन है लेकिन है क्या, एक्चुअली ये 1 की पावर गिवन है इतनी, तो 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट होगा 1। यहाँ पे गिवन है हमें 2 की पावर, हमें कुछ नहीं लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 2, तो 1 -2 की पावर 2 यानी 1 -4, हमारा दोबारा नेगेटिव आ गया यूनिट डिजिट, तो नेगेटिव तो होता नहीं, तो हम करेंगे क्या, 10 ऐड कर देंगे और यूनिट डिजिट आ जाएगा अपना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है 978 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखते हैं 978 का फैक्टोरियल, ये दोनों फैक्टोरियल ही हैं। तो फैक्टोरियल के केस में होता क्या है, फैक्टोरियल होता है 978 × 977, मतलब एक घटाते जाओ और ये प्रोडक्ट होता है अप टू 1, तो ये होता है फैक्टोरियल किसी भी नंबर का। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 978, यही तो एक्चुअली मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, यहाँ से सीरीज स्टार्ट कर दी। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा, जैसे मान लो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0, तो अगर यूनिट डिजिट 0 हो गया एक बार तो उसको चाहे आप किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 85, 89, किसी से भी 898 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। मतलब एक बार यदि 0 बन गया यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको 0, 1, 5 और 6 की पावर कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फैक्टोरियल पे ही है, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, अलग अलग सोल्व कर लेते हैं बाद में उनको ऐड कर लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 यानी यूनिट डिजिट 2, 2 × 2 = 4। अगर आपको निकालना है तो जैसे यहाँ पे 12 × 2 × 1 नहीं होगा तो आप इसका भी यूनिट डिजिट ही ले लें, क्योंकि हमें फाइनल निकालना तो यूनिट डिजिट ही होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। अब 9 फैक्टोरियल निकालना है, 9 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 up to 9, तो यहाँ पे भी 0 बन जाना है। मतलब यदि 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी हो फैक्टोरियल तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 5 आ जाएगा और 5 और 2 का प्रोडक्ट 0 यूनिट डिजिट देगा, तो उसके बाद सारे हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। हमारे यहाँ आया था 4, यहाँ आ गया 0,
आगे 5 फैक्टोरियल है, उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। 7 to 4 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट होगा 0, यानी 0 + 0 + 0 और 4, हमारा यूनिट डिजिट आ गया 4, तो आंसर हो गया 4। तो गाइज अभी इसी पार्ट में इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्वेश्चंस कर लेना जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ब्लॉग पे जाके, जो कि मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको बता देता हूँ, ब्लॉग का लिंक है jchemistry001.blogspot.com। तो इस पेज से जाके आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिस्टी वर्गेस करके भी बुक है और एक मेड इजी की भी बुक है, उसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कुछ भी सजेशंस हो तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।